हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो मैं आ चुकी हूँ एक और नई और बहुत बढ़िया कहानी लेके, और मोनिका जी से बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया एंड कैसे मैनेज किया कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे सारी चीज़ों को लेके चलना है एंड कैसे फिर अल्टीमेटली जो है अच्छा स्कोर करना है। 98 क्वेश्चन सही करना इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर, और फिर JRF क्रैक किया उन्होंने अपने डोमेन में। तो बहुत बढ़िया तरीके से जानते हुए चलेंगे कि किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को स्ट्रेटजाइज किया एंड कैसे चीज़ें प्लान की सो दैट फाइनली जो रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए वो मिले, कैसे अपनी कमियों पे काम किया, कैसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचाना सबसे बड़ी चीज़ होती है जो, एंड कैसे सेल्फ स्टडी या कैसे यूट्यूब वीडियोज़, कैसे मॉक टेस्ट लगाए, वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली रिविजन के साथ जो है वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे पाई, वो सारी चीज़ें डिस्कस हम करेंगे। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस कर देती हूँ। जो भी बच्चे बहुत ही कम मार्जिन से चूक जाते हैं और इस बार भी चूक गए हैं, तो आप सभी के लिए JRF अड्डा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आया है जिसमें आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है अप टू 50%। अगर आप 200 प्लस स्कोर कर रहे हो एंड स्टिल आपका JRF नहीं हुआ है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है। 190 प्लस स्कोर कर रहे हो और आपका JRF नहीं हुआ, केवल नेट हुआ, तो 30% स्कॉलरशिप है। 180 प्लस स्कोर कर रहे हो एंड स्टिल आपका जो है JRF नहीं हो पाया तो आपको 20% तक स्कॉलरशिप मिल रही है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि आप अगर इतना स्कोर कर रहे हो तो आप डिज़र्व करते थे, बट कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से रह गया या कुछ तैयारी में कमी होने की वजह से, प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से, कुछ भी सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं जिनकी वजह से हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो फाइनली जो है आपके लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ चुका है जिसके तहत आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, दिसंबर 2024 की तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट गाइडलाइंस आपको मिलेंगी कैसे क्या चीज़ करनी है, स्टडी प्लानर एंड ऑल, सो दैट आप अच्छे से स्ट्रेटजाइज कर सको एंड अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, एप्लीकेशन करके क्वेश्चंस पे कंसेप्ट्स की अपनी पकड़ बना सको क्वेश्चंस पे एंड सीख सको कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है एंड कैसे रिवाइज करना है, क्रैश कोर्स एंड सारी चीज़ें आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ आपको मिलने वाला है। और ये जो 2 से 2.5 महीने का समय हमारे पास है उसको कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है वो चीज़ें हम सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए अभी ज़्यादा समय ना लगाते हुए चलते हैं सीधा मोनिका जी के पास, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत एक्साइटमेंट से मुझे बताया एंड शी वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी एंड होना भी चाहिए। और एक और चीज़ मैं उनके पास जाने से पहले बता दूँ कि उनके एरिया में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन जो है वो चल रहा है एंड इनको बहुत गिफ्ट्स भी जो है वो दिए गए, और बहुत अच्छी बात है। ये अपने आप में ऐसा लगता है कि क्या अचीवमेंट मैंने की है। तो आप सबसे आपसे जानेंगे कि किस तरीके से आपको फील हो रहा है एंड हाउ इज़ द फीलिंग जब देखा कि सिलेक्शन हो गया है, और एक आपने कब कैसे निकाला इस एग्जामिनेशन को, कितने अटेम्प्ट लगे और किस तरीके से प्लान किया, कब सोचा इसके बारे में, वो सारी चीज़ें आपसे वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओवर टू यू मोनिका, बताइए अपने बारे में। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आपसे मिलने के बाद बहुत बढ़िया हो गई हूँ। मैं सब कहता हूँ, मैं मोनिका, मेरा नाम मोनिका है और मैं बहरोड से हूँ, राजस्थान से। बेसिकली हमारा जो एरिया पड़ता है वो एक टाउन है, नॉट ए सिटी और ना ही एक गांव है, बट हाँ एक टाउन है, हम लोग टाउन में रहते हैं। मैंने ना अपने मास्टर्स के प्री में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरी बहन ने बोला कि नेट JRF का कोई एग्जाम है, फॉर्म भर ले, दे ले। मैंने दिया, ठीक है। उस टाइम डेट थी 17 अक्टूबर 2020 और लॉकडाउन का टाइम था और मेरा सेंटर अलवर आया था, तो मैं गई थी देने। एग्जाम से कुछ टाइम पहले मेरे साथ कुछ हो गया था, एक्सीडेंट, तो मतलब फिर हम लोग देने गए। वो फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा कुछ सिर्फ 1 मार्क से रह गया था नेट होने से उसमें। फिर उसके बाद मैंने बीच में नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने मेरे मास्टर्स कंप्लीट की, उसके बाद फिर मैंने एक दो एग्जाम 23 वाले जो चले थे अभी 23 ईयर में, तो एक दो दिन उनमें भी नेट नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा यार हो गया, इतना टाइम दे दिया इस पे, अब नहीं करना। मैंने जून वाला अटैम्प्ट दिया, मैंने बोला घर वालों को मैं लास्ट अटैम्प्ट दे रही, होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्विट कर दूंगी। घर वालों ने बोला ठीक है, लास्ट अटैम्प्ट दे रही, कोई बात नहीं, चेंज करना है कर लेना। फिर मैं दे के आई, उस टाइम जैसे ही मैं रात को पेपर दे के आई, ऑफलाइन था इस बार, तो आंसर की वगैरह सारी मैच कर ली, उसमें मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। मैं रात की इतनी एक्साइटेड थी, मैं मतलब कोई नहीं उस दिन रात को, और जैसे ही मतलब मैं ऑनलाइन तो थी ना, 18 को पेपर था, 19 तक मैं रात को ऑनलाइन थी। रात को 12-11 बजे के समथिंग नोटिफिकेशन आता है कि एग्जाम प्री हो रहा है, कैंसिल हो गया। इतना बुरा लगा सुन के, यार किस्मत है क्या है, इतना एक तो मतलब मेहनत इतने टाइम बाद की, हाँ चलो करते हैं, लास्ट अटेम्प्ट सोच के गई थी,
इसमें हो रहा था सिलेक्शन, पर वो फिर सुन के होता है ना कि शॉक लग जाता है मेरे को, मिनी हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं, अगर भगवान ने कैंसिल किया तो कुछ करने होगा इच्छा। फिर इसके बाद मैंने फिर से अपना 3 महीना कंटिन्यू स्टडीज की, और इस बार मेरा सीधा JRF निकला। बहुत बढ़िया, वही होता है कि नेट के लिए तैयारी कर रहे हो पर नहीं निकल रहा है, बट बिल्कुल सीधा JRF निकल रहा है, वो मेहनत इतनी ज़्यादा जुड़ जाती है, वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट तो ज़रूर देती है। तो आपने हाँ, कैसे मैनेज किया कि 2 बार नहीं निकल रहा है फिर भी आपने आप लगे रहे, क्या चीज़ थी जो मोटिवेट करती थी कि करना है और करना है तो इस बार बेस्ट देना है, अपने आप को टारगेट दे दिया जैसे कि लास्ट अटेम्प्ट होगा मेरा, तो वो लास्ट अटेम्प्ट सोच के आपने क्या सोचा कि इस बार करना है तो क्या मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो क्या चीज़ें थी? जैसे मैंने जून के एग्जाम से पहले जो प्रिपेयर किया था, उस टाइम से पहले मैंने अपने आप को एनालाइज किया था कि मैं कहाँ गलतियां कर रही हूँ। मेरी गलतियां थी कि मैं क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से पढ़ लेती थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कम थे। तो उस चीज को कम करने के लिए मैंने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए, क्वेश्चन पे ध्यान देना शुरू किया। फिर जो टॉपिक थे कि मेरे कौन से टॉपिक वाइज में कितना स्कोर घट रहा है, किसमें इतना स्कोर बढ़ रहा है, उसको मैंने नोट डाउन किया। जैसे स्टैटिक पोर्शन थे तो उनके लिए एक अलग से डायरी बनाई, और जो थ्योरी पोर्शन थे वो मेरे स्ट्रॉन्ग थे तो मैंने उनको साइड में किया, और जो मेरे वीक थे उन्हें पहले उठाया ताकि उनको मैं अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकूं। जैसे पेपर 2 में मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को हाफ 50-50 में बांटा था, जिससे मैंने अपने आप को एनालाइज किया था कि हाँ ये मेरे हो जाएंगे, ये मेरे इन पे मेरे को और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। तो उस हिसाब से मैंने वो सारे सब्जेक्ट्स उठाए थे, उस हिसाब से मैंने उनको मॉक वगैरह लगाए थे। फिर भी मेरे कहीं ना कहीं मॉक्स पे ये था कि मॉक काफी हार्ड होता है, तो उसमें मेरा स्कोर कम जा रहा था। उस टाइम तो एनालाइज करने करते करते टाइम बुरा भी लगता था, यार ये तो हो ही नहीं रहा था। तो मैं अपने आप को मार्क्स देती थी मतलब मॉक के हिसाब से कि पास या फेल। तो मेरा टारगेट था एटलीस्ट 200+ मार्क्स के, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे 189 भी आ रहे हैं तो मैं उसमें बड़ा बड़ा लिखती थी फेल, ताकि ये रहे कि ये फेल यहाँ पे है, वो फेलियर वहां पे ना, तो इसका बड़ा बड़ा लिखती थी फेल, ताकि खुद के दिमाग में रहे कि नहीं ये नहीं चाहिए। जो वो फेल वर्ड देख के फील होता है ना कि नहीं ये नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत और की कोशिश की कहाँ पे नंबर कट रहे हैं, किस टॉपिक में, वो टॉपिक अच्छे से किए, फिर मॉक लगाती थी। इस बार मैंने मेहनत, क्योंकि मेरा थ्योरी किया हुआ था काफी सारा, मैंने वो नोट्स बनाए हुए थे मेरे कंप्लीट सारे थे, तो मैंने इस बार मॉक्स पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और कौन से टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं बार बार, उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी और फिर उन पे काम किया। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि अपने आप को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं पर क्या नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ द थिंग जिस पे काम करने की ज़रूरत है, वो वीकनेस स्वॉट एनालिसिस हम पढ़ते हैं कॉमर्स में, वो स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपने आप को एनालाइज़ किया, दैट इज़ द थिंग जो आपको सिखाती है कि आपको क्या और चीज़ करनी है। तो जब आप पढ़ते थे तो कैसे मैनेज करते थे कि मुझे पूरा दिन जो है उसको कैसे डिवाइड करना है पेपर 1 में पेपर 2 में, एंड पेपर 1 के लिए आपको क्या लगता है कि पेपर 1 इज़ अ जर्नल पेपर, तो काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि ये पेपर में ज़्यादा कुछ होता तो है नहीं तो लेट इट बी, अपने पेपर 2 पे फोकस करो, या पेपर 1 ऐसे लगता है कि ये तो नया है इसी पे सारा टाइम लगा दो, तो आपने कैसे मैनेज किया कि दोनों पेपर में क्या टारगेट रखा और कैसे अप्रोच किया दोनों पेपर्स को? मैंने दोनों 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 पेपर को अलग अलग ही रखा, क्योंकि दोनों अपने आप में अपना अपना वेटेज रखते ही हैं। पर ओवरऑल परसेंट के हिसाब से क्वेश्चंस भले 50 और 100 हो, लेकिन वेटेज तो दोनों का बराबर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक में 0 ले रहे हो, एक में 50 ले रहे हो, तो नहीं पार ऐसा होगा। तो ना मैंने ना पेपर 1 को, जैसे कि सुबह सुबह का टाइम अच्छा होता है पढ़ने के लिए, सबका अपना अपना टाइम होता है, मेरे को सुबह का टाइम अच्छा लगता था, तो मैं सुबह सुबह अपना पेपर 2 उठाती थी, जो मेरे वीक पॉइंट थे मैं सबसे पहले उन पे काम करती थी। और ये होता था कि दिन में मेरे को एग्जाम से पहले एक मॉक लगाना ही लगाना है और उसको एनालाइज करना है। जैसे मैंने, अगर मेरा मन नहीं है पढ़ने का तो मैं पेपर 1 का मॉक लगा ली थी, सिर्फ एक मॉक लगाया। ऐसा नहीं है कि मन नहीं है तो मॉक लगाया ही नहीं, बट हाँ लगाया, एक लगा लिया, दोनों साथ में नहीं लगाए। और जिस दिन होता है उस दिन मैं दोनों मॉक साथ में लगा लेती थी, तो मैंने पेपर 1 को उतना ही टाइम दिया जितना पेपर 2 को दिया। बट कहीं ना कहीं मेरा पेपर 1 ठीक था, स्ट्रोंग था, तो जहां मेरे वीक पॉइंट निकले वो निकले पेपर 2 में और टाइम मैनेजमेंट में। तो ज्यादा मैंने पेपर 2 पे थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं बट हाँ लिटिल बिट मोर देन पेपर 1 2 पे फोकस ज्यादा किया मैंने उस पे, हाँ कि मेरे वीक ओब्वियसली, वीक पॉइंट्स पे ज्यादा वर्क किया था उस टाइम। तो बढ़िया है। और कौन सी यूनिट आपको लगती थी कि ये यूनिट तो बहुत इजी है ये यूनिट मुश्किल है, तो जो मुश्किल यूनिट लगती थी उसको आप कैसे अप्रोच करते थे कि प्रीवियस ईयर की हेल्प से कर लो या कुछ कुछ पढ़ लो या यूट्यूब पे आप देखते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हो सकते हैं, तो कैसे आप पेपर 1 की और पेपर 2 की भी जो यूनिट्स आपके लिए मुश्किल थी वीकनेस थी उसको कैसे ओवरकम करते थे?
देखो पहले तो जैसे कि पेपर वन और पेपर टू में हमारे कॉमर्स में काफी टॉपिक सेम है, तो मैं पहले उन दोनों को कर ली थी, जैसे रिसर्च के हो गए, स्टैटिक्स का थोड़ा बहुत पोर्शन आता है हमारे में, वो सारे जो क्वेश्चन सिमिलियर हैं जो हमारे पेपर वन में भी और पेपर टू में भी, पहले उनको ले लेती थी मैं। फिर उसके बाद जो पेपर टू में मेरे को सबसे गंदा लगता था वो था लीगल एक्ट, उसका मतलब कितना ही पढ़ लो बट उसमें नंबर नहीं आते थे, कहीं ना कहीं वो हल्का सा माइनर होता सेक्शन में, ए सेक्शन टू ए, फिर सब सेक्शन ए के अंदर, वो वाले जो क्वेश्चन होते थे ना उनमें बहुत कंफ्यूजन होता था, वो कितना ही कर लो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो ही जाती है उनमें। तो एक तो उस सब्जेक्ट को मैंने सबसे पहले उठा के खत्म करती थी मैं, कि हाँ जो मेरे को नहीं आता सबसे पहले उसे ही उठाओ, फाइनल तक जाते जाते उसका एटलीस्ट 2 से 3 बार रिविजन करना ही पड़ेगा वरना नहीं होगा। इस तरीके से मैंने अपने जैसे कि लीगल एक्सेप्ट हुआ, और मेरे को सबसे अच्छा लगता था उसमें था एक बिजनेस स्टैटिक्स, वो मेरा सबसे अच्छा था, तो मैं उसको सबसे लास्ट में लेती थी और बाकी लीगल एक्सेप्ट को सबसे पहले उठाती थी, और बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह को। ओके, तो पेपर वन टू वन में कैसे किया फिर? लाइक कौन सी यूनिट थी जो अच्छी नहीं लग रही थी और उसको कैसे करते थे? प्रीवियस ईयर बेस्ड या इम्पोर्टेंट टॉपिक बेस्ड? मैम देखो प्रीवियस ईयर बेस पे क्वेश्चंस तो मैंने बहुत किए, प्रीवियस ईयर बहुत मैटर करते, प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स देख के, जैसे रिसर्च हुआ, टीचिंग हुआ, ये सारी चीजें तो हो गई थी, बट जो ना लीगल सॉरी एनवायरमेंट यूनिट 9 और यूनिट 10 जो हमारा है एनवायरमेंट हायर एजुकेशन, उसमें ये था कि आप कितना ही कर लो हमेशा कोई ना कोई नया टॉपिक वो दे ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें तो पढ़ा वो आएगा, उसमें नया टॉपिक आ जाता है। और उसमें जो हायर एजुकेशन में आप यूनिवर्सिटीज वगैरह और वो सारे टॉपिक्स पढ़ते हो, एक तो मैं सन्स में बहुत कंफ्यूज होती हूँ, मेरा जो है ना वो सन की आपको इतनी सन है वीक है वो सेशन, तो मैं उसमें बहुत कंफ्यूज रहती थी कौन सा दिया ये कौन सा दिया, जस्ट मैंने अभी अगर वो क्वेश्चन किया है ना मैं थोड़ी देर बाद फिर कंफ्यूज हो जाऊंगी कि क्या नहीं उसके सन मैं बहुत ही, तो मैं उनकी जो सन थी ना लिख के अपने सामने चिपकाती थी अपने डेस्क पे, तो पूरा भरा हुआ था मेरा, सारे दीवार पे चिपके हुए थे कि ऐसे निकलते, क्योंकि वो जितना रिमाइंड रहेगा दिमाग में जितनी नजर जाएगी उतना याद रहेगा, तो सारे लगे हुए थे मेरे, तो वो चीजें करती थी। ओके, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और मैंने 2-3 इंटरव्यू लिए तो उनमें ऐसा ही है, किसी ने अपने पूरे रूम पे लगाए हुए हैं चार्ट्स, किसी ने टाइम टेबल बनाया है, किसी ने आगे ये लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे आपको पता है कि ये मेरे को करना है, वो बार बार दिमाग में आता है ये करना है करना है, तो आप करते हो उसको बार बार। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं, करना चाहिए। और फिर उसके बाद जब मॉक टेस्ट आपने बोला कि मैं लगा देती थी और मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करती थी, तो एनालाइज करते हुए आप क्या चीज़ें ध्यान में रखते थे? लाइक एनालाइज करना इज़ लाइक ओनली पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए वो देखना, इससे काम तो नहीं बनता है। तो आप पूरा अच्छे नहीं डिटेल में अगर एनालाइज करोगे तो बात बनती है। तो आपको किस तरीके से एनालाइज करते थे आप? मैं एनालाइज में 2 चीजों का ध्यान रखती थी, पहला जो नया टॉपिक है उसको अपने नोट्स में ऐड करती थी, दूसरा जिस टॉपिक में मेरे मार्क्स कटे हैं तो उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ती थी कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा था और मैंने कैसे गलत किया, पढ़ा हुआ था जैसे वो टॉपिक और इसमें मैंने गलत आंसर किया, तो मतलब क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से फ्रेमिंग है, तो उस क्वेश्चन को रिपीट करती थी और जो गलत थे उस मॉक को फिर मैं एनालाइज करने के बाद फिर एक बार और लगाती थी कि हाँ अब मेरे को कितना सही दे पाऊंगी और मैं कितना नहीं सही दे पाऊंगी, मतलब कितना मैंने सही से एनालाइज किया और कितना नहीं किया और कितना मेरी मेमोरी में गया है, तो उस चीज को करने के लिए मैं एनालाइज करने के बाद उस मॉक को फिर से लगाती थी, सेकेंड अटेम्प्ट देती थी उसी मॉक का। हाँ, ये चीज़ भी ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट में आप अटेम्प्ट करने के बाद दोबारा लगाओ तो पता लगता है कमियों पे काम करके आपने कितना इम्प्रूव किया। बहुत बढ़िया चीज़ है। और कैसे लाइक ये पैटर्न वगैरह जो है अभी आप देखते हो किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, तो आपने जो है क्या स्ट्रेटजाइज किया था कि कैसे मेरे को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे में 150 क्वेश्चन, सारी तैयारी एक तरफ, एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपका वहाँ पे काम करना एक तरफ होता है, तो कैसे वो मैनेज किए 3 घंटे, और किस तरीके से RCDI को टैकल किया, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको कैसे टैकल किया, वो नर्वसनेस कैसे जो है आपने थोड़ा उसको बैलेंस किया? बहुत नर्वस होता है एग्जाम जब तक आता है ना सामने, ऐसे हाथ पैर मेरे तो ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल ही जैसे कि ना 3 घंटे होते हैं एग्जाम में, तो जैसे कि जाते हैं एक तो वैसे ही ऑनलाइन में इतना दूर सेंटर होता है जाना पड़ता है, फिर लाइन वगैरह, वैसे ही जो कैंडिडेट होता है वो आधा वैसे ही परेशान हो जाता है फिर एग्जाम हॉल में, तो वैसे ही मैंने क्या था कैसे ना पहले 3 घंटे मेरे को पता है मेरे पास 3 घंटे, तो उससे पहले ना मैंने एग्जाम से जस्ट 15 डेज पहले, ज्यादा नहीं 15 डेज पहले डेली मॉक लगाया जिसमें मैंने सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखा था कि मेरे को 3 घंटे में पूरा पेपर एनालाइज पूरा करना है, वो भी 2 बार कम से कम पढ़ना ही उस चीज को, एक तो वो चीज ध्यान रखी और वही चीज जाके मैंने पेपर में अप्लाई की, क्योंकि अगर मैं एक ही बार में पूरा पेपर पढ़ूंगी और कुछ रह गया तो अगर मैंने उसको रिवाइज नहीं किया सेकेंड अटेम्प्ट में तो फिर वो मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं।
सेकंड में ही रहता है कि सेकंड राउंड में आप कर पाओगे। तो फर्स्ट राउंड में मेरे को जो आते थे मैंने फर्स्ट राउंड में उनको लिया। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा ठीक है, उसको 10 से 15 सेकंड दिए, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा रिव्यू में डाल दिया, फिर सेकंड पे बढ़ गए। ऐसे ऐसा नहीं है कि मेरे 5 क्वेश्चन रह गए, 10 क्वेश्चन, वो चीज मैंने माइंड में नहीं रखी। अगर मैं वो रखती तो शायद मेरा पेपर मैं आगे 150 तक पहुंच भी नहीं पाती। जो मेरे क्वेश्चंस गलती गए मैंने पीछे नहीं देखा, मैंने आगे बढ़ती रही कि क्या पता आगे वाले क्वेश्चंस मेरे को आते हैं, कोई बात नहीं 10 नहीं आ रहे, आगे अभी 110 क्वेश्चन और हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट खोला, मेरा फर्स्ट डीआई आया था, मैंने डीआई नहीं देखा, मैंने देखा इनकम एक्सपेंडिचर का है, मैं कहीं टाइम कंज्यूमिंग है, इस पर टाइम लगेगा, इसको छोड़ो आगे बढ़ो। सिर्फ 5 क्वेश्चन है अभी, 135 145 क्वेश्चन अभी हाँ बाकी हैं, तो उन पे फोकस करते हैं। तो आगे बढ़ी मैंने, ठीक है जो क्वेश्चन आते रहे करती रही, जो फिर जो नहीं आए उनको मैंने रिव्यू में डाल दिया। फिर मेरा ऐसे करके एक राउंड हो गया, जिसके बाद मेरे पास 35 मिनट्स बचे थे, तो उसमें मैंने सेकंड राउंड लिया। 35 बहुत होते हैं सेकंड राउंड के लिए। तो मैंने उसमें फिर फर्स्ट राउंड में ये था कि मैंने कम से ओके कम 120 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, जो मतलब बाद में बचे थे इतने 30 30 to 35 क्वेश्चन के अराउंड। तो उन क्वेश्चन को मैंने और अच्छे से टाइम दिया, फिर उन क्वेश्चन को फिर से पढ़ा रिव्यू में, फिर आंसर देखे, फिर सही, फिर दूसरे राउंड में ये हुआ। और फिर थर्ड राउंड में मेरे पास लास्ट 2.5 मिनट बचे थे, जो क्वेश्चन मेरे रह गए थे उसमें अप्रोक्स 5 to 6 क्वेश्चन रहे थे मेरे, तो मैंने फिर उन्हें 2 ढाई से 3 मिनट के बीच में जो मेरा टाइम था उसमें मैंने देखा। हाँ फिर को लगाया जी, फिर मैंने टॉपिक्स को रिलेट करना शुरू किया, मैंने कहा अब यार ये नहीं आ रहा, इस पर जम आता थी। बिल्कुल सही बात है, 2.5 मिनट में आप कर भी कह सकते हो, तो अरे तुक्का अब भी दिमाग लगाना। वैसे हो गया, अब वैसे इस टाइम 3 घंटे हो गया, दिमाग काम नहीं, मगर जय माता दी। नहीं बिल्कुल सही है, ये तो होता ही है, आप सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते, बट वही है ना कि जब टाइम नहीं है तो खाली छोड़ के आना इज नॉट अ गुड थिंग। आपके 6 में से वही शायद एक तो सही हो गया होगा, है ना, और तो नेगेटिव क्यों एक भी भी नहीं, नंबर, हाँ एक भी नंबर क्यों जाने बेनिफिट देना। नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए हम लगा सकते हैं प्लैंक छोड़ने से अच्छा क्या पता वो लग हो, जो हमने लगाया वो हाँ ही सही, वही वही लक प्लैंक बहुत मैटर करता है। पूरा टिक कर दिया है मैंने। सही है, ये चीज़ सही है, आपने 2 बार एटलीस्ट पेपर को गो थ्रू किया, इट इज़ बेस्ट। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पे अटक जाते हैं और उस पे अटक के 5 मिनट वेस्ट कर देते हैं, 10 मिनट वेस्ट कर देते हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है, क्योंकि वो 10 मिनट बिल्कुल आपके लिए बहुत प्रीशियस है अगर आप आगे आगे बढ़ते रहो। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है और ये फॉलो भी करनी चाहिए, और बिल्कुल वो 15 दिन की जो आपकी मेहनत थी टाइम मैनेजमेंट वाली, वो साफ साफ दिखाई देती है कि आप कैसे फिर अच्छे से कामनेस के साथ, नर्वस होते हुए भी वो कामनेस आपके पास थी जिससे आप पूरा पेपर कर पाए एंड जय माता दी करके बिल्कुल 6 क्वेश्चन सही तुक्के लगा पाए, तो बहुत सही था ये। और फिर उसके बाद जो है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलोगे कि क्या चीज़ उनको ध्यान में रखनी चाहिए, कोई एक दो चीज़ें जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, अगर वो नेट JRF क्रैक करना चाहते हैं। और बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर 100+, तो क्या आपको करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि मैं अगर ये कर लेती तो शायद 100+ हो जाते, वो चीज़ भी आप बताना, सो दैट और बच्चों को जो है पता लग सके कि वो क्या कर सकते हैं। मैम देखो, सबसे पहले तो अगर आपको अपने वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए, सबसे पहले अपने वीक पॉइंट से भागना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है यार, अपने आप से कंपटीशन रखोगे ना कि हाँ मुझे अपने आप का बेस्ट वर्जन देना है, तो वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि आप ये सोचोगे ठीक है नहीं आता है, नहीं छोड़ देता उस टॉपिक को, और क्या पता वही एग्जाम में आ जाए। अपने आप को चैलेंज करो, कैसे मेरे को क्यों नहीं आता, मेरे को सबसे पहले वही टॉपिक खत्म करना है, और उसको इतने अच्छे से पढ़ना है कि नेक्स्ट टाइम वो टॉपिक आए तो मेरे नंबर ना कटे। मैंने सबसे पहले इसी बात पे ध्यान दिया। दूसरा, अपने बेसिक्स बहुत क्लियर रखने पड़ेंगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते तो भी आप रीड करके उनको कहीं ना कहीं बना सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस बनते हैं, जो ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, वो बहुत जरूरी है, वो भी आना चाहिए जब आप मॉक लगाते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 घंटे तो आप घर पे बैठ के मॉक लगा रहे हो, ऐसे बिल्कुल ऐसा सोचो कि आप एग्जाम्स टाइम का मॉक दे रहे हो और आपका लास्ट अटेम्प्ट है। उसी हिसाब से अपना उसमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो, अपने मॉक को लगाओ, और क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज। एलिमिनेशन मेथड से भी होते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि हमें ऑप्शंस के थ्रू भी जाना पड़ता है कि इसमें ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो इसमें नहीं है यार, ये हमने वहां पढ़ा था, ये तो इससे रिलेट कर ही नहीं रहा, ये बचा है तो यही वाला होगा। इस तरीके से भी मैंने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। तो और नोट्स पी कैसे वाई बना, हाँ ओके, और नोट्स कैसे बनाए, प्रीवियस ईयर बेस्ड या वीडियोस कहाँ से देखी, कैसे देखी, और बुक्स वगैरह से अपना रेफरेंस लिया, कैसे
या कैसे स्टडी किया वो बताओ थोड़ा। स्टार्टिंग में बुक्स खरीदी थी, उस टाइम मैंने थोड़े बहुत नोट बनाए थे। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सेशंस लेने शुरू किए, ऐसे मतलब जो भी आते थे ना, नेट जेआरएफ वगैरह के मैं देखती थी, तो जो टॉपिक लगते थे हाँ जी मेरे में है तो ठीक है, जो नहीं थे मैं टॉपिक ऐड करती रही थी। ऐसे मैंने काफी सारे नोट्स बनाए, मेरे को इधर बुक शेल्फ रखा पूरा भरा हुआ नोट्स का। तो मैंने मतलब एटलीस्ट फिर मैंने जब मैंने 2023 में शुरू किया ना, तो मैं 2023 के बाद दिसंबर वाला अटेम्प्ट देने के बाद, ये जो जून के लिए प्रिपेयर किया बेसिकली, तो मैंने इसमें फिर से नोट्स बनाए। इस बार मैंने नोट्स बनाए शॉर्ट्स में, पहले मैं बनाती थी डिटेल में, मेरा भर देती लाइन को, फिर बाद में मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाए जो कि मुझे समझ में आए, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाए। मैंने एटलीस्ट नेट जेआरएफ के लिए 2 बार नोट्स बनाए होंगे पूरे, तो मैंने सारी नोट्सबुक मेरे पास दो दो है, तो मैंने 2 बार नोट्स बनाए। इस बार मैंने शॉर्ट्स में नोट्स बनाए थे जिसकी वजह से काफी हेल्प हुई, क्योंकि फाइनल रिवीजन करते टाइम पूरा नहीं पढ़ा जाता है, वो सिर्फ एक्सप्लेन करके चलो डायग्राम के थ्रू ज्यादा, एरो के थ्रू और स्ट्रक्चर्स के थ्रू मैंने ज्यादा इस बार नोट्स बनाए थे, तो वो एक दिमाग में इमेज रह जाती है। हाँ, वो माइंड मैपिंग आप करते हो तो दिमाग में ज़्यादा स्टे करता है, बहुत सही। और फिर उस वीडियोस कैसे आपने हाँ हेल्प की, लाइक पेपर टू में आपने बताया मुझे कि मेरा पेपर टू बहुत वीक था, उसको कैसे इम्प्रूव किया। लाइक पेपर मैं टू के बिना लोग ऐसे बोला जाता है पेपर वन जेआरएफ करवाता है, जो कि सही है, बट अगर पेपर टू नहीं करोगे तो नेट ही नहीं होगा, तो नेट करना है हाँ फिर ही जेआरएफ होगा, तो कैसे पेपर टू में इम्प्रूव किया। मैम, मैंने पहले जब शुरू किया था यही बोल रहे थे कि पेपर वन कर लो अच्छे से, पेपर टू तो आपका है ही, इसमें तो आप कर ही लोगे स्कोर, जेआरएफ हो जाएगा नेट। मैंने पेपर वन पे स्टार्टिंग में बहुत फोकस किया जिसकी वजह से मेरा नेट भी नहीं निकला। क्योंकि उसको ध्यान रखते रखते, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, सब ये बोलते हैं कि पेपर टू आपका सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा है, आपको आता है, बट नहीं ऐसा नहीं है कि आपके लिए पेपर वन नया, भले ही पेपर वन नया है पर उतना नहीं है कि आप पूरा ध्यान उस पे दे दो। मैंने ये गलती की थी, मैंने पूरा ध्यान पेपर वन पे दे दिया था जिसकी वजह से मेरा पेपर टू वीक होता चला गया। मैं मतलब हमारे बेसिक्स जो अपने कॉमर्स के होते हैं वो भी भूलने लग गई थी, मेरे को जनरल एंट्रीज भूलने लगी, अकाउंट ये हाल हो गया था मेरा पेपर टू का। अगर नहीं ऐसा तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने अपना पेपर वन को रखा और फिर मैंने अपने पेपर टू पे ज्यादा फोकस किया उस टाइम पे, फिर मैंने दोनों जब लेवल पे आ गए उस अकॉर्डिंग फिर अपना किया था। और पेपर टू में मैंने आपकी क्लासेस देखना शुरू किया ना, जब मेरे को मतलब मैंने 3 से 4 एजुकेटर्स की यूट्यूब वीडियोस देखी थी स्टार्टिंग में, देखा जो टाइम पहले तो हाँ ठीक है, एक दो एजुकेटर थे समझ में आ गए, उस टाइम शायद आप नहीं आए थे यूट्यूब पे, तो आपसे पहले मैं देखती थी, काफी सारे टीचर्स की देखी है मैंने, तो हाँ ठीक है स्टार्टिंग में समझ में आता था, कोई दिक्कत नहीं थी, कर रहे थे चल रहा था। लेकिन ना जो मेरे को बाद में जब मैंने जून का टाइम दिया उससे पहले रियलाइज हुआ यार मेरे जो वीक पॉइंट है वो तो क्लियर हो ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे मेरे को वो खटक गई वो चीजें होती है ना कि यार ये तो मेरे क्लियर ही नहीं है, इसके बिना तो मैं कैसे ही करूंगी, तो वो वाली चीजें वो पढ़ा अच्छा रहे थे, बट वो ये ना कि मेरे को उस टाइम तो समझ में आ रहा था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चल रही थी मैं कि हाँ ये आता है, सर ने बोला है, मैम ने बोला है, ये पढ़ लेते पेपर हो जाएगा, बट वो हो ही नहीं रहा था। जब तक खुद की कमियां आप पूरी नहीं करोगे तो आपका पेपर नहीं होगा। और जब फिर मैंने आपकी एक दो क्लासेस देखी, ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो आपका आया था, तो मैंने यू पेपर टू की आपकी क्लासेस देखना शुरू किया। मैंने देखा कि कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय, तो आपका वो चैनल था जो फर्स्ट वाला था, तो मैंने उसको ज्वाइन किया, फिर मैंने आपकी काफी सारी क्लासेस देखी, फिर मेरे को समझ में आया, मेरे को लगा, फिर लगा अरे यार यही चीज तो मेरे को चाहिए थी, ये ऐसे ही तो मेरे को समझ में आता, यही चीज तो, अरे यही तो नहीं आता अगर यही मैं समझा रही है, लाइक अब मिल गया। फिर मैंने बाकी सारे कॉमर्स के सारे बंद कर दिए, फिर मैंने किसी का भी यूट्यूब पे दूसरा एजुकेटर की कोई वीडियो नहीं देखी कॉमर्स के लिए, सिर्फ एक आयुष मैम, पूरा यूट्यूब पे आपका ही भरा है, पूरा चैनल सारे सब्सक्राइब कर रखे, सारे आपके ही है, सारी क्लासेस आपकी थी, फिर उसके बाद फिर मेरा बेसिक सारा। अब वो बेसिक स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है और वही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो बात आती है वो पेपर में कैसे पूछा जा रहा है वो ट्रेंड को समझना भी ज़रूरी है। एंड मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि बेस क्लियर करो, बट सिर्फ बेस नहीं और सिर्फ एडवांस नहीं काम आएगा, बेस प्लस एडवांस काम आएगा, तो बेस सबका क्लियर है, यू नीड टू वर्क हार्डर ऑन एडवांस पोर्शन, और वही चीज़ जो है उस पर मेहनत चलती है और फाइनली जो है उसके रिजल्ट्स अब मैं देख रही हूँ, इट फील्स ग्रेट कि जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग ला रही है, एंड आप सभी जो है उस पर अपना 100% दे रहे हो और अपना रिजल्ट लेके आ रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा आपसे सारी चीज़ें सीख के जान के। अब लास्ट में मैं यही जानना चाहूँगी, एक एडवाइस तो मैंने बच्चों के लिए ले ली, एक एडवाइस अगर आप अपने एक्सपीरियंस से देना चाहो, लाइक ये जर्नी है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि 2 महीने 4 महीने 5 महीने फर्स्ट अटैम्प्ट, जो बहुत ही ज़्यादा चलता है ये फर्स्ट अटैम्प्ट, मैं बहुत परेशान हूँ इससे, बट
कैसे इस चीज़ों से निकल के अपने आप को समझ के अपनी तैयारी करो, और क्योंकि आपने भी है जो काफ़ी बार तैयारी की, जैसे एक दो बार फिर उसके बाद किया, तो वो चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपने तैयारी से क्या एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हो सभी को कि हाउ दे शुड प्रिपेयर और व्हाट शुड बी देयर माइंडसेट। मैम देखो, अपना हर कोई इंसान अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि यार उसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। तो कहते हैं ना कि भगवान ने हर किसी को अपनी यूनिक आइडेंटिफाई दी है। तो मतलब अगर हमारे आधार कार्ड भी देखोगे, सबके अलग अलग है, चेहरे अलग अलग है। तो आप अपने आप को कंपेयर करना बंद करो सबसे पहले। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं ले पाओगे। आप क्योंकि हर किसी की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी होती है। तो आप अपने आप पे ध्यान दो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखो, अपने वीक पॉइंट्स को देखो। अगर आप कंपेयर करते रहोगे तो फिर तो आप कभी अपनी आप पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे। आपको ये लगेगा यार वो इतना आगे गया, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है। कोई बात नहीं, हो गया तो उसका था, उसने मेहनत की होगी। हमें अपने आप पे ध्यान देना है, हमें और मेहनत करनी। मेरा भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, लेकिन हाँ अब हुआ है तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट वालों से ज्यादा खुशी है। मैंने मेहनत की, मुझे पता है मेरा जो स्टडी टाइम था, वो जो टाइम पीरियड था, उसमें कितने अप एंड डाउन आए थे। कई बार तो पढ़ने का मन भी नहीं करता था, ऐसे लाइक छोड़ दे यार। कई बार नहीं, कई बार मूड अच्छा होता था, चलो पढ़ते हैं। कई बार पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था चलो पढ़ते ही चले जाएं। कई बार होता नहीं यार आज तो 2 दिन हो गए, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने। बट मैं अपने हिसाब से पढ़ती थी। अगर मेरा मन है तो मैं पढ़ रही हूँ, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन वेस्ट कर दे। उस टाइम पे 2 घंटे जबरदस्ती बैठने से अच्छा है मैं आधा घंटा रेस्ट कर लूँ, 1.5 घंटे को यूटिलाइज करूँ मैं। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मन ही नहीं है तो आज पूरा दिन ही वेस्ट कर दिया। नहीं, इससे अच्छा मैं आधा घंटा जो मेरा मन है माइंड फ्रेश करके अच्छे से अपना करके फिर उस बाकी के बच्चे पर टाइम को यूटिलाइज करती थी। फिर ऐसे ही अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो, किसी और से कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा। तो अपनी कमियों पे और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे ध्यान देना सीखो। बहुत बढ़िया, बहुत सही चीज़ है ये, और मैं भी रिलेट कर सकती हूँ इससे, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से, मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था। बुरा लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, बट वो सेकंड अटेम्प्ट में जब हो जाता है तब सब ऐसे होता है कि ये तो जर्नी का पार्ट था। तो करने का फेलियर्स पार्ट वही है, जर्नी का पार्ट है, फेल होना फिर उससे आगे निकलना। किसी किसी को तीन तीन चार चार अटेम्प्ट भी लगते हैं, बट वो उनकी जर्नी का पार्ट है। वही जैसा आपने बताया, हर एक पर्सन अलग है, हर एक पर्सन की आइडेंटिटी अलग है, तो हर एक पर्सन का स्ट्रगल और एक्सपीरियंस भी अलग ही होगा, एंड सक्सेस भी अलग होगी। एंड लास्टली, बिल्कुल अपना जो गिफ्ट मिला है आज दिखा दो, कि जो आपकी टाउन में बिल्कुल आपने JRF किया है क्लियर, तो बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रही है। तो बिल्कुल तो ये एकदम चीज़ रहिए। बिल्कुल राजस्थान में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है, इम्पोर्टेंस है, आते और हमारे लिए पे सम्मान के लिए होते सम्मान। हैं। हाँ, बिल्कुल तो ये सम्मानित किया गया आपको, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ देख के। एंड बिल्कुल आपसे जो है मुलाकात होगी जल्दी, 22 अक्टूबर को, जहाँ पे हम ऑफलाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऑफलाइन मिलेंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स भी बिल्कुल आ सकते हैं 22 अक्टूबर को, जहाँ पे JRF अड्डा सेलिब्रेट कर रहा है इस बार की सक्सेस, क्योंकि बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे। एंड अभी जो हमने टारगेट किया था कि वी विल डू दिस टाइम 1000+ सिलेक्शंस, एंड वी आर जस्ट देयर। और इसी के लिए जो है आपके लिए यहाँ पे जो है बिल्कुल 22 को हो रहा है, यानी कि कल, और आप 10 बजे का टाइम है, आपको बता देती हूँ। तो कल 10 बजे आपको पहुँच जाना है जयपुर सेंटर, और लिंक्स एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। बाय गाइस।